मूड बहुत ज्यादा खराब है। नहीं होगा तो थोड़ा सा दुख होगा कि रोड ट्रिप यहाँ पे थोड़ा सा ट्रबल में आ जाएगा। वर्ल्ड में सो भाई गया, इंडिया में गए। MV अगस्ता ब्रुटाले, ऐसा लग रहा है कि दिन ही सही नहीं चढ़ा। खन्ना जी की फट गई, इधर आओ। सीरियसली दोस्तों, मूड बहुत ज्यादा खराब है। इट्स अ वेरी बैड स्टार्ट ऑफ द डे, स्टार्ट ऑफ द डे। तो हुआ ये यार, कल हमें शाम को पता लगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो स्पेशली मतलब सरदारों को चाहिए होती है, वो घर पे छूट गई। बोले तो ये जो दाढ़ी फिक्स करने वाला स्प्रे, अब पूरा मार्केट ढूंढा नहीं मिला। ऑनलाइन हमने 2-3 एप्लीकेशन डाउनलोड करी, हमने सोचा कि डिलीवरी हो जाएगा, बट वो भी इस जो पिन कोड है जहाँ हम हैं शिमला में, यहाँ पे डिलीवर नहीं हो रहा था। तो जिस रेस्टोरेंट में खाने गए वहाँ पे एक सरदार जी दिखे मुझे, तो मैंने उनसे बोला आपके पास में फिक्सो है तो दे दो थोड़ा सा। तो उन्होंने मुझे इस शीशी में दे दिया था। तो ये शीशी का राज है। आई एम श्योर आपने पहला वाला पार्ट देखा होगा, मतलब पहला एपिसोड ओवर स्पीति, स्प्लेंडेड स्पीति। अब बात करते हैं आज के दर्द की, जो हमें सुबह सुबह लगा झटका, स्पेशली इसको भी मुझको भी। कैसे बताऊँ आपको मैं यार, ड्रोन का चार्जर छूट गया घर पे, छोड़ दिया। बोलो छूट गया, आपको कंफ्यूजन हो गई। ये बोल रहे उस बैग में रखा था, उस बैग में मुझे तो कुछ दिखा नहीं। देखो घूम फिर के मेरे पे सुर भी मत उतारो। दूसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब पैसे भी खर्चे, एक्साइटमेंट भी डबल, और मैं 3 सेल्फी स्टिक लेके आया था। किसके लिए? इंस्टा 360 के लिए, और इंस्टा 360 घर पे रह गया बॉस, इमेजिन करो यार। तो सुबह से मैं शॉक में हूँ, इसीलिए 1 घंटा लेट हो गया हूँ। स्टिकर्स बोले हैं वो? हाँ, स्टिकर जो हमने स्टिकर्स बनवाए थे ना, टी शर्ट्स हम लेके आए थे, बट स्टिकर्स भी कहीं पे रह गए यार। मतलब क्यों याद दिला रहा है यार, क्यों? वो कहते ना जले पे नमक छिड़क रहा है तू खाम खा। तो कुछ ऐसी शुरुआत हुई हमारी। एनीवेज मतलब ऐसा है, देखो ठीक है यार, चलता रहता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। दिस वॉज जस्ट फॉर फन। अब जो है जैसा है मैनेज कर लेंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ द रोड ट्रिप। फिलहाल हम लोग हैं शिमला में और आज जाएंगे चितकुल पी के रेडबुल। कैसे हुआ, कैसे हुआ? तो सिर्फ ये बंदा नहीं है जिसका सुबह से अकेले का मूड खराब है, इसका भी खराब है। क्या हुआ बोला? दोनों भी कट गया। दोनों कट गया, शिट यार। अब क्या करेगा? अभी बंजी गॉड से टाई कर दूंगा। बंजी गॉड से टाई कर देगा। और ऊपर से देखो, हमने 6 बजे का टाइम लगाया था, अलार्म लगाया था, मतलब सुबह उठने का। और कितने बजे निकलना था? 8 बजे निकलना था। अभी कितने बज गए? 8:10 हो गए। 8:10 हो गए। और जिस हिसाब से अभी खिला रहे हैं, बिखरा हुआ ना, मुझे लग रहा है कि ये भाई साहब 9 से पहले तो नहीं निकलते। भाई आई एम रेडी। अच्छा, नाश्ता भी तो करना, भूख लगी है। चालू तो हो रहा है, अभी क्या है थोड़ा सा चला गया पहले। सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि दिन ही सही नहीं चढ़ा। अभी पता क्या हुआ, मतलब मेरी बाइक स्टार्ट हो गई, खन्ना जी की हो गई, और पुलक की बाइक दिक्कत दे रही है, तो बैटरी का कुछ इश्यू लग रहा है। तो अभी क्या था, यहाँ पे ढलान है, पुलक को हमने आगे भेजा, मतलब तो बाइक स्टार्ट हो गया, बट नॉट श्योर कि बैटरी का फॉल्ट है या चार्जर का फॉल्ट है। तो मैंने सजेस्ट किया थोड़ा सा बाइक चला के देखेगा, उसके बाद में बंद करके ऑन करके देखेंगे। अगर बाइक ऑन हो रही है तो मतलब चार्ज तो ले रही है बैटरी, और बैटरी वीक हो गई है। अगर ऐसा नहीं है तो शायद हमें चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, और रोड ट्रिप में थोड़ी सी ट्रबल आनी चालू हो चुकी है, आपको पता ही है। बट ठीक है यार, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ। लेट्स सी कैसे हम इस चीज़ को फिगर आउट करते हैं, और कैसे इस हर्डल को क्रॉस करते हैं। तो भाई अपडेट ये है कि अभी हमने कॉल किया था चंडीगढ़ कावासाकी में,
उन्होंने बोला कि ऐसा लग रहा है कि बैटरी वीक हो गया है, चार्जर काम कर रहा है, क्योंकि अभी हमने 2-3 बार बाइक बंद करी है, उसके बाद स्टार्ट करी है तो स्टार्ट हो रही है, बस सुबह में स्टार्ट नहीं हुई थी तो बैटरी वीक हो गई होगी, रात में ठंडी थी उसकी वजह से डाउन हो गई। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ से 6-7 किलोमीटर नीचे जाके एक शॉप बता रहे हैं, मतलब लोकल्स बोल रहे हैं कि यहाँ नहीं मिलेगी आपको बैटरी, बट हाईवे पे नीचे जाओगे तो एमरॉन का बैटरी का स्टोर है, तो वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो वी आर ट्राइंग अवर लक, ऑनेस्टली बोलूँ तो काम हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं होगा तो थोड़ा सा दुख होगा कि रोड ट्रिप यहाँ पे थोड़ा सा ट्रबल में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग नीचे जाएंगे चंडीगढ़, एक दिन और ख़राब होगा फिर ऊपर आएंगे। और इस बार जो ये वाला रोड ट्रिप था ना, ये हमारा थोड़ा टाइट शेड्यूल पे था, मतलब मेरा और खन्ना जी का, पुलक के पास तो टाइम था, उसने अभी आगे लद्दाख भी जाना है, इसीलिए ये जो इशू है ना इसको हम लाइटली नहीं ले सकते, इसको सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी रोड ट्रिप बहुत लंबा है, इसने सारा रोड ट्रिप कम्प्लीट करके वापस मतलब जाना है बैंगलोर को भी, होसूर टू बी प्रसाइज्ड। एंड वेदर काफ़ी ठंडा हो गया क्योंकि कल बहुत बारिश हुई है और रात में भी बहुत बारिश हो रही थी। जिस होटल में हम लोग रुके हुए थे वहाँ पे एक आगे शेड लगा हुआ था, उसके ऊपर रात भर चर 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 मतलब टपा टप टपा टप टपा टप बारिश पड़ रही थी। एंड सुबह से हमने कुछ खाया भी नहीं है, सच्ची बोल रहा हूँ, आई एम वेरी हंग्री, क्रेविंग फॉर फूड, गुड डिलीशियस फूड, बट ये काम पहले करा लेते हैं। खन्ना जी कोई तो गुड न्यूज़ दे दो यार, दिन अच्छा नहीं जा रहा भाई। गर्म गांडी आ वो। ऐसा है, 3-4 किलोमीटर नीचे आने के बाद में अभी हम लोग गए थे बजाज में, उन्होंने बोला कि लगेज हटाओ पहले बाइक में से। आपको बताया आपको खाने में क्या मिलेगा? खाने में हमें सिर्फ क्या मिलेगा? आपको मिलेंगे ताने, आज ताने मिलेंगे ना, पूरा दिन ताने मिलेंगे ना। अब मैंने काम ही ऐसे किए यार, इतनी इम्पोर्टेंट चीजें मैं घर पे छोड़ आया ना, भगवान ही माफ करेगा मुझे। फिलहाल यहाँ पे उम्मीद की किरण दिख रही है, क्योंकि अभी पहले लगेज उतरेगा, वो बैटरी निकालेंगे, चेक करेंगे, ये कह रहे हैं 2 साइज की बैटरी इनके पास में अवेलेबल है। सो तब तक मैं क्या करता हूँ, पास में ही ना वॉशिंग वाला स्टेशन है, मैंने अभी पता किया, तो मैं थोड़ा सा वॉश करवा देता हूँ। ऑल्दो मुझे पता है आगे भी चीकड़ कीचड़ मिलेगा, बारिश मिलेगी, बट ना ऐसे मुझसे देखी नहीं जा रही है वाली बाइक, यू नो हमारा तूफान बहुत ही डर्टी हो रखा है। सो आई एम जस्ट लोकेटिंग, एंड इसको बोलते हैं टीम वर्क, कि ये दो बंदे यहाँ निपटा लेंगे, मैं अपना निपटाता हूँ। बाइक तो हो गया बढ़िया से वॉश। हाँ जी भाई साहब, क्या खबर? आवाज इतना ही होता भाई। देखो पहले ही बता रहा हूँ, थोड़ा शोर आएगा, इग्नोर कर देना, बिल्कुल रोड साइड पे ढाबा है, द ग्रेट गबरू, नहीं द ग्रेट अर्बन ढाबा, वो यहाँ पे स्क्रीन में थोड़ा उल्टा नज़र आ रहा था, गबरू लग रहा था अर्बन। फिलहाल सामने में है बजाज, तो बाइक वहाँ पे छूटा हुआ है पुलक का, मतलब काम चल रहा है, खन्ना जी का भी बाइक वहाँ है, मेरा बाइक यहाँ पे है। इन बिटवीन हमने खाना खा लिया है, पेट भर के अच्छा खाना खा लिया है, और अभी बाहर निकले तो देखा अभी वेदर हो रहा है ख़राब, मतलब बूंदाबांदी चालू हो रहा है, और आपको पता पहाड़ों में बारिश इतना ज़्यादा होना सही नहीं है, पता आपको। एंड वैसे घर में भी बात हुआ था, वाइफ ने बताया वहाँ भी बहुत बारिश हो रहा है दिल्ली में। वर्ल्ड में 100 बाइक है, इंडिया में एक है, एम वी अगस्ता ब्रुटाले 910R। ओके चलो बढ़िया जी, मिलते रहेंगे दोबारा। रूट हमारा सेम है, ऑल राइट गाइस, बाय बाय। तो बहुत सारे बाइकर ब्रदर्स हमें मिले, मतलब बाइकर सिस्टर्स भी मिली, बेसिकली दिल्ली से हैं ये लोग। हमारा काम भी यहाँ पे बन गया है, बाइक रेडी है पुलक का, रेडी टू गो,
अच्छी बात है सस्ते में निपट गए और जल्दी निपट गए, नहीं तो चंडीगढ़ जाना पड़ता और वैसे वहाँ भी बैटरी अवेलेबल नहीं थी। अब इस पे चढ़ना एक टास्क है बॉस। तो बस लगेज के साथ में ये दिक्कत आती है बाइक पे चढ़ने में उतरने में। नाउ लेट्स मेक अ मूव। ऑलराइट बाय बाय। सो अभी मतलब हल्का फुल्का ड्रिजलिंग हो रहा है तो इसीलिए सेफ साइड हमने अपने रेन कवर्स पहन लिए। तो यहाँ पे किया था हमने ब्रेकफास्ट, ठीक ठाक खाना मिल गया था, अच्छी बात है सारे काम हो गए। थोड़ा सा ये बाइक वॉश भी हो गया ऑल दो गंदा होना है दोबारा, और खाना भी खा लिया और बाइक भी ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टॉप लगाएंगे हम लोग नारकंडा जो कि है 60 किलोमीटर्स, तो मतलब 1.5 घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने में। और वहाँ पर पहुँच के पियेंगे बढ़िया वाली चाय, वहाँ पर है नेगी का ढाबा और वो जो ऑनर्स हैं और जो उनकी फैमिली है सब मेरे को जानते हैं, तो मैं हर बार जब इस रूट से वहाँ जाता हूँ तो वहाँ रुकता ज़रूर हूँ। तो कोशिश करेंगे वहाँ रुकेंगे, मिलेंगे उनसे, आगे के रूट का हाल चाल लेंगे और फिर आगे निकल जाएंगे। और आगे देखो फिर बादलों ने घेर लिया पूरे शिमला को, तो मतलब यहाँ भी बहुत बारिश होने वाली है। लुक एट द वेदर मैन, लुक एट द व्यू। तो इसको बोलते हैं ग्रीन वैली। वैसे तो सारी वैली अक्सर ग्रीन होती हैं बट इस जगह को, इस स्पॉट को ग्रीन वैली बोलते हैं और बहुत सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पे ऑलरेडी, गाड़ियाँ लगा के यहाँ पे फोटो वीडियो निकाल रहे। तो हमने सोचा हम क्यों ना रुक जाए, है ना भाई, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है ये नज़ारे आप तक पहुँचाने का, एंड आपका भी फ़र्ज़ बनता है वीडियो को लाइक करने का। ओके तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब, आगे बढ़ रहे हैं। किस्मत से अभी भी ड्रिजलिंग हो रही है इसीलिए कैमरा ऑन कर पाया मैं, नहीं तो कैमरा उतार के अंदर रखना पड़ता। बच गया पुलक, गाड़ी वाला उड़ा देता वो भी उड़ जाता, वहां जाता नीचे। सुनो मेरे वीरो, नेगी का ढाबा आ गया है, हमने यहीं पे रुकना है, बाइक लगाने की जगह नहीं अच्छी मिल रही है, यहाँ लगा दी जाए। सो भाई बिग शाउट आउट टू अमित भाई। एग्जैक्टली कौन सी जगह है ये? सर ये संधू है। संधू, तो ये हमें यहाँ पे मिले, इनकी वो गाड़ी है। मेरे को एक आइडिया आया कि चलो रोलिंग शॉट्स लेते हैं, इंस्टाग्राम के लिए कुछ पिक्चर्स लेते हैं। तो खन्ना जी को इनकी गाड़ी में हमने बिठा दिया, पीछे तक गए और घुमा के ले आए और इतने में काफ़ी अच्छे अच्छे पिक्चर्स निकल गए। सो गाइज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अच्छी पिक्चर्स के लिए। अब इसको टेक्निकली ऐसे कह सकते हैं खन्ना जी की फट गई, इधर आओ, बरसाती फट गई। अरे क्या ओ खन्ना जी टांगे खोलो जरा, खन्ना जी की फट गई है बरसाती और ये छुपा रहे हैं ऑडियंस से। यार फैमिली है, पब्लिक है, ये सब जानती है। तो थोड़ा टाइट आप अगर रेन पैंट पहनते हो ना नीचे से फट जाता है ना। चलो भाई चलो, मैं उतार रहा हूं। तो अगली बार हम आएंगे तो उम्मीद है यहाँ सड़कें बन जाएंगी, काम अभी से चालू करवा दिया हमने। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। गोल गोल घुमा के आग लगा के तारकुल बनाया जा रहा है। और वैसे दोस्तों मतलब देखो यार, कहना नहीं चाहिए, मैंने वैसे एंडोरो मोड पे डाल दी थी क्योंकि कीचड़ पीचड़ आ गया था, बट बाइक मेरे से संभल नहीं रही है, तो बहुत स्किड मार रही है बहुत ज़्यादा, और पैर मेरे खुले से नीचे नहीं पहुँच रहे हैं क्योंकि मैंने भी रेन लाइनर पहना हुआ नीचे। क्या से क्या हुआ ए मेरे रब्बा,
तो अभी दोस्तों पीछे ट्रैफिक रोक दिया गया था, इधर से गाड़ियां आ रही थी, अब इधर से गाड़ियां जा रही हैं, रास्ते में कंस्ट्रक्शन चालू है और पहाड़ों पे तो ये आम बात है। सो फार रामपुर रह गए सिर्फ 25 किलोमीटर, बट पहाड़ों के 25 भी 50 से कम नहीं होते। काफ़ी देर से चालू है हमारा मामला, काफ़ी देर से चल रहे हैं हम लोग। एंड जी हाँ, अच्छा डिसीजन है आई गेस, क्योंकि हमें पता है कि रामपुर में अच्छे अकोमोडेशंस मिल जाएंगे और उसके आगे में थोड़ा इशू हो सकता है, तो ठीक है। थोड़ा बॉडी भी टायर्ड हो रहा है क्योंकि यार 6 बजे उठे थे सुबह और अभी 6 बजने वाला है, लगभग 12 घंटे होने वाले हमें जागते जागते। बट लुक एट दिस नज़ारा जो लग रहा है बहुत ही प्यारा, और इधर मेरा बाइक थोड़ा सा स्लिप होगा, अभी मोड चेंज करने का भी टाइम नहीं है भाई के पास में, इको मोड पे चला रहे हैं। पहाड़ी पे एवरेज निकालने की कोशिश करी जा रही थी, अभी तो यही था प्रोग्राम, क्योंकि अभी दिखा रहा है 426 किलोमीटर की रेंज। मुझे लगता है कि इको मोड पे अगर मैं चलाऊं इज्जत अनुसार तो 550-600 किलोमीटर एक टैंक फुल पे चल सकती है। बाइक्स हैं और ये पीछे में हमारा रूम है, बट रुको ज़रा, वो देख रहे हो पीछे में, मतलब बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आप समझ चुके हो हम लोग पहुंच गए हैं आज की डेस्टिनेशन पे रामपुर, सही टाइम पे पहुंच गए थे। अभी 6:15 हो रहे हैं, 6 बजे हम पहुंचे थे, पजामा वगैरह पहन लिया है, जूते उतार के चप्पल पहन लिए। आज वैसे किस्मत अपनी बहुत बढ़िया थी, मौसम बहुत अच्छा था, कोई टेंशन नहीं हुई हमें, इंजॉय करी हमने राइड। आई होप आपको भी वीडियो अच्छा लगा होगा। अब ऐसा है थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद मार्केट में छोटे मोटे एक दो काम है, कुछ चीज़ें मैं घर पे भूल गया था, तो यहाँ का मार्केट काफ़ी बड़ा है, 8 बजे बंद होता है। सो उम्मीद करते हैं, ढूंढते हैं, समझ गए ना, कुछ सामान चाहिए तो वो लेके आते हैं, और उसके बाद में बढ़िया सा नीचे में रेस्टोरेंट है तो वहाँ पर खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद में मतलब आज तो मैं एडिटिंग करूँगा, मतलब जो डेली से चले थे, मतलब एपिसोड 1 जो है वो मैं आज एडिट करने वाला हूँ, उसके बाद डेटा कॉपी करेंगे, सामान लगाएंगे चार्जिंग पे और कोशिश करेंगे कि रात को नींद पूरी कर लेंगे। सो दैट इज़ अ प्लान, इसीलिए अभी वीडियो करेंगे क्लोज। अच्छा लगा है तो यू नो द ड्रिल, बट लेट मी रिमाइंड यू, आज मैंने एक ऑसम वाला रील डाला था इंस्टाग्राम पे, सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बहुत अमेजिंग पिक्चर्स आ रही हैं। और BMW GS पे व्हीली रोड पे नहीं करता हूँ मैं, ठीक है, कहाँ करी इंस्टाग्राम पे देख लो जरा जाके। साइनिंग ऑफ जेसन, बाय बाय।